ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपनी न्यूज़ इन शॉर्ट्स वाली वीडियो, जो कि कल इसकी एक पार्ट आ चुकी थी। सेकंड पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक हमने कल डिस्कस की थी, तो आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे। 11 टॉपिक्स है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की टॉपिक है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 रिपोर्ट है, जो कि यहाँ पर रिलीज़ किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें न्यू एस्टिमेट बताया गया है कि वाटर स्कार्सिटी का क्या कंडीशन है एग्रीकल्चर में, और इससे कितने सारे लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको एक अच्छा रिपोर्ट है, आप लोग एग्रीकल्चर वाले फील्ड में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। GS3 पेपर में आपका आ जाएगा ये। तो अचीविंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखो कि गोल नंबर यहाँ पे 1 है, टोटल 17 गोल है, लेकिन गोल नंबर 1 जो है वो जीरो हंगर है, ये अभी तक जो है अचीव नहीं किया गया। बट यहाँ पे सिर्फ इंश्योर किया जा रहा है कि हमारी जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, सस्टेनेबल तरीके से फ्रेश वाटर को यूज़ कर सके, रेन वाटर को यूज़ कर सके एग्रीकल्चर में। सेकेंड, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि एग्रीकल्चर में 70% जो है वर्ल्ड की फ्रेश वाटर विड्रॉवल है। साथ ही 11% अगर देखें तो रेनफीड क्रॉप लैंड है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ फ्रेश वाटर की अवेबिलिटी रिसोर्स देखें तो ये भी डिक्लाइन हो चुका है। तो पानी की कमी के कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहे हैं। सजेशन क्या दिया गया है कि वाटर अकाउंटिंग और ऑडिट होना चाहिए, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे जो है वाटर शॉर्टेज और स्कार्सिटीज़ को जो है एड्रेस करना है। एग्रीकल्चर में अगर देखें तो रेनफीड एरिया यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देना है। इरीगेटेड एरिया है यानी कि यहाँ पर पानी की अवेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से सिंचाई वगैरह करने पर ध्यान देना है। तो ये सारा कुछ सजेशन दिया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर। तो रिसेंटली अगर देखें तो WWF जो वाटर रिस्क फिल्टर है रिपोर्ट, इनके द्वारा ये बताया गया कि 30 जो इंडियन सिटीज़ है ना, वो यहाँ पे वाटर रिस्क को फेस कर रहे हैं, यानी कि वाटर जो है इनकी कमी होते जा रही है, इसको ये फेस कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी ये फेस करेंगे। तो व्हाट इज़ वाटर रिस्क? वाटर रिस्क का मतलब क्या होता है? वाटर रिस्क का मतलब होता है कि वाटर रिलेटेड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे आने वाले दिनों में ये देखने को मिले, यानी कि पीने की पानी कमी देखने को मिलेगी, पानी की अवेबिलिटी कम देखने को मिलेगी, फ्लडिंग आ सकता है जिसमें कि पानी का कोई उपयोग नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बर्बाद हो सकती है, या तो सूखा भी आ सकता है जिसमें कि पानी का बहुत ज़्यादा कमी हो। इन सारे सिनेरियोज से जो है WWF का जो वाटर रिस्क फिल्टर है ना, इसमें ये बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो 100 सिटीज़ है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बिगेस्ट राइज जो वाटर रिस्क का है 2050 तक वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। और इसमें कितने लोग हैं? तो 350 मिलियन पीपल्स हैं, यानी आगे आने वाले 30 सालों में जो है पानी की जो अवेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएंगे कि जिससे कि आप समझो कि 100 सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो पानी के लिए हाहाकार करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। सजेशन ये दिया जा रहा है कि सिटीज़ को ये ज़रूरत है ना कि अभी से संभल जाए, क्योंकि आपको अगर पता है कि आगे आने वाले 30 सालों के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि आज के ही डेट में प्रिकॉशन कर ले, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसके लिए संभल जाए, एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आए, जैसे कि जो जगह बर्बाद हो रही है जहाँ पर पानी जो है हम लोग स्टोर कर सकते हो उसको स्टोर करें, वेटलैंड को रीस्टोर करें। तो वेटलैंड बहुत ही ज़्यादा जो है एक नेचुरल, आप लोग समझो कि हमारे नेचर को और हमारे इन्वायरमेंट को जो है सर्वाइव करके रिवाइव करके रखता है, तो वो है वेटलैंड। मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की ज़रूरत है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोगों को यहाँ पे जो है इंगेज करना है। मेनली जो इंगेज करने की ज़रूरत है वो लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करने की ज़रूरत है, जो उस पानी के वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड्स है, लेक्स है, वेस्टलैंड है, उसके अगर अगल बगल वाले जो लोग रहते हैं ना, उनका ये मेनली हक है, उनको इंगेज करना चाहिए कि कैसे यहाँ पे वाटर्स को जो है और ज़्यादा कंजर्व करके रखें। एक अच्छा खासा अर्बन प्लानिंग और वेटलैंड कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जिसको हम लोग यहाँ पे जीरो लॉस, यानी कि जो फ्रेश वाटर सिस्टम है उसको जीरो लॉस के बेसिस पे जो है हम लोग कंजर्व कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रेटर ग्लोबल एफर्ट्स है उसको यहाँ पे हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और पब्लिक फंडिंग की भी देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। WWF का जो ये वाटर रिस्क फिल्टर ये है क्या? ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन टूल है, जिसमें कि कुछ कंपनीज़ को ये अनेबल किया गया है, कुछ इन्वेस्टर्स को अनेबल किया गया है कि वो यहाँ पे वाटर रिस्क जो हो रहा है ना उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करे, समझे, एसेस करे, इसकी वैल्यू समझे और उसको रिस्पॉन्ड करे। मेनली इसको डेवलप किया गया है WWF के द्वारा, और जर्मन फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है DEG, उनके द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं 13, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर की है, CCEA, उन जिनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है, उनके द्वारा अप्रूव किया गया है कि 210 मेगावाट का जो लुहरी स्टेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे रिवर सटलज में जो है लोकेट किया गया है। और ये कहाँ सिचुएटेड है? तो शिमला में और कुल्लू, हिमाचल के भी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है सटलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। और ये किस में? तो बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन ये बेसिस है। तो ये अलग से ये आप देखते हो कि ये सारे बिल्ट ऑन
ट्रांसपोर्ट, ये सारा बॉट वगैरह होता है तो उसी के ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखना है कि लूहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है किस रिवर के ऊपर है, सतलज के ऊपर है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में। नेक्स्ट आते हैं फोर मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स फॉर कर्नाटक। कर्नाटक में चार जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स यहाँ पे निकल कर आए। कौन कौन सा है? कोलार में यहाँ पे अंतरगेज बेटा है, चिकबापुर में यहाँ पे आदि नारायण स्वामी है, महिमा रेंज बेटा है, और साथ ही उर्मी एरिया है वो भी यहाँ पे आपका दक्षिण कन्नाडा में। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि चार यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रखा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में अगर समझे तो क्या वो ऐसा डिफाइंड एरिया होता है जो कि अपने नेचर में काफ़ी यूनिक होता है, जहाँ पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा होते हैं, कोस्टल वाटर्स और इनलैंड वाटर्स होता है, मैराइन होती है, टेरेस्ट्रियल यहाँ पे इकोसिस्टम होता है, तो इसलिए उस एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कहते हैं। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे लोकल बॉडीज़ को यहाँ पे कंसल्ट करके जो है उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में जो है नोटिफाई किया जाता है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, अब ये एक नया पोर्टल बनाया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया है। ये सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है कि डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को लेकर, और इसमें क्या होगा ना कि नॉलेज मिलेगा, यानी कि जो लोकल पीपल है उनको गवर्नमेंट के हेल्प से नेशनल इंटरनेशनल लेवल का क्या क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जा रहा है इस पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा। पोर्टल क्या होता है? ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक ही जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रीज़ की फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो गोवा की है उनके द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया का फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लेकर। इस कन्वर्जेंस इनिशिएटिव में क्या है कि यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट सेक्टर जैसे सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, LED लाइट जो है उसको कनेक्ट किया जाएगा और सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी, सोलर एनर्जी, LED लाइट को एक साथ लाकर यहाँ पे लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में देख लीजिए। रिसेंटली PSLV C-49 है जो कि यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली लॉन्च की है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको EOS-1 कह रहे हैं, और यहाँ पे 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट भी है, यानी कि 9 जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का भी जो है छोटे छोटे सैटेलाइट को भी हम लोग इसके साथ लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पे आपका जो है लॉन्च व्हीकल पूछा जा सकता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है? C-49 है, जिसके थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा गया है। ठीक है, तो 9 जो कंज्यूमर सेटेलाइट है ये कहाँ कहाँ से? तो लिथुएनिया से 1 है, लग्जमबर्ग से 4 है, USA से 4 है। अब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट की बात करें तो ये दूसरी रडार इमेजिंग सेटेलाइट है जो कि यहाँ पे रिसैट जो 2B है और रिसैट 2B R1 है इसके साथ जो है वो काम करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जो है इसरो यहाँ पे न्यू नॉमेनक्लेचर में मूव कर रहे हैं कि वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जो है वो यहाँ पे अब लॉन्च करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे रिसैट वगैरह कहा जाता था बट अब इसका नाम जो है EOS-1 रखा गया है, तो इसके आगे भी बहुत सारी सेटेलाइट को भेजा जाएगा इसलिए EOS-1 रखा गया है। ठीक है, कार्टो सेटेलाइट सीरीज ऑफ सेटेलाइट है जहाँ पे डेटा यहाँ पे लैंड टोपोग्राफी और मैपिंग के लिए इसको भेजा जाता है। कार्टोसैट सेटेलाइट भी आप लोग जानते हो, इसमें क्या होता है कि जो लैंड टोपोग्राफी और जो मैपिंग है, यानी कि जो हमारी ज़मीन है जिसमें आप देखते हो कि बहुत तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में डिटेल यहाँ पे डेटा देता है कार्टोसैट। ओशन सैट सेटेलाइट है जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो सी है, समुद्र है, उसको ऑब्जर्व करता है। कुछ इनसैट सीरीज़ के भी है, रिसोर्स सैट सीरीज़ है, जी सैट सीरीज़ है, तो ये सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, यानी कि बेटर तरीके से अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर पिक्चर यहाँ पे देते हैं, हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि हर एक तरीके का जो सीरीज़ है उसका एक अलग ही मीनिंग होता है, अलग ही काम होता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट की बात करें तो ये सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज़ करते हैं जिससे हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलता है, यानी कि लैंड की एकदम हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है, क्लियर क्रिस्टल इमेज हमें मिलती है जिससे कि किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का? सबसे पहला क्या है कि बहुत बेटर तरीके से लैंड और फॉरेस्ट मैपिंग हो पाता है, मॉनिटर हो पाता है, रिसोर्सेज की मैपिंग हो पाती है जैसे कहाँ पानी है, कहाँ मिनरल है, कहाँ फिशेज अच्छी तरीके से हो सकती है, फिशरीज अच्छी तरीके से हो सकती है, कहाँ क्या खनिज है, कोयला कहाँ है, गैस कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इतना अच्छा डिटेल जो है अर्थ के अंदर की इमेजेस मिलती है कि हम उसे समझ पाते हैं। वेदर और क्लाइमेट को भी समझ पाएंगे, यानी कि कब बारिश होगी, कब आंधी तूफान आएगा, कब कोल्ड वेव चलेगा, तो ये सारी चीज़ भी हम लोग देख पाएंगे।
सॉइल असेसमेंट भी हो पाएगा कि कहाँ पे किस तरीके की मिट्टी है, तो किस तरीके का वहाँ पे जो है क्रॉप फसल लगाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। जियो स्पेशल काउंटर मैपिंग भी किया जाता है, तो ये सारा काम है यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का। न्यू PSLV डिज़ाइन किया गया है, PSLV C49, ठीक है। तो इसरो के द्वारा यहाँ पे न्यू वेरिएंट ऑफ PSLV रॉकेट को इस्तेमाल किया गया है, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार, यानी कि एक ही बार जो है फ्लो होगा, यानी कि वंस बिफोर फ्लो। तो ये वेरिएंट जो PSLV का है ना, ये आप देखो कि ये वेस्ट नहीं होगा, यानी कि जब ये सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिट में चला जाएगा ना, तो इससे जो है ना PSLV क्या होता है कि ये जो लॉन्चिंग होता है ना, ये लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, इसके अंदर सैटेलाइट होता है। तो ये जब ऊपर जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट को लेकर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने में जब ऑर्बिट में जाने लगता है अपना सैटेलाइट, तो उससे पहले ये पार्ट पुर्जा जो है ना टूट टूट के जो है अपना जो है स्पेस में ही इधर उधर गिर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, स्पेस डेब्रिस बन जाता है, स्पेस में बहुत ज़्यादा कचड़े हो जाते हैं। तो ये कचड़ा ना हो, इसके लिए अब नए तरीके का हम लोग PSLV इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या होगा ना कि यहाँ पे अब ये कचड़े नहीं यहाँ पे आपका जो है स्पेस में बैठेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं स्टारलिंक। स्टारलिंक एक आपका नेटवर्क ऑफ सेटेलाइट है, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ पे क्या है कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ये डिलीवर करेगा, और वो लोकेशन में जहाँ पे महंगे या फिर जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है या कम्प्लीटली अनअवेलेबल इंटरनेट है, तो वो सारे जगहों पे जो है स्टारलिंक अपना जो है एक सैटेलाइट भेज रहा, एक न्यू नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट है, जिससे कि सारे जगह नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। वो डिफ़िकल्ट एरिया में नेटवर्क मिलेगा, जहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नहीं पहुँचा पा रहे, या फिर जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं जा पा रहा है, या फिर वहाँ पर अगर हम लोग फिज़िकली तरीके से अगर इंटरनेट पहुँचाए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो उस तरीके से वो सारे एरिया में जो है ना स्पेस एक्स के द्वारा इस तरीके का एक यहाँ पे सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तो ये याद रखना है। साथ ही आते हैं डिस्कवर ऑफ पल्सर। तो रिसेंटली जो रॉयल सोसाइटी है ना, उनके द्वारा न्यू पोर्ट्रेट बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि नोबेल प्राइज़ इनको मिला है फिज़िक्स में 1974 में, क्योंकि ये दो प्रोफेसर के साथ इसको शेयर किए थे, क्योंकि नहीं, ये दो प्रोफेसर के साथ इसको शेयर किए थे। टोटल तीन लोग को मिलता है। मैक्सिमम हमने जो देखा था नोबेल प्राइज़ अक्टूबर मंथ की, जब मैं कल्चर डिस्कस करी थी उसमें मैं बताई थी कि कोई भी नोबेल प्राइज़ जो है ना, अगर ग्रुप में मिलता है तो मैक्सिमम तीन लोग होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी फिज़िक्स में इनको दिया गया, तो वो मैक्सिमम तीन लोगों के साथ मिला गया। ये पल्सर होता क्या है? पल्सर आप देखो कि एक ऑब्जेक्ट का फैमिली है, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, जहाँ से ये बोला जाता है ना कि ये कब फॉर्म होता है, जब स्टार जो है बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाता है, इतना ज़्यादा मैसिव हो जाता है कि सन से भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाता है, और उसके बाद जब वो कोलैप्स होता है ना, तो उससे इस तरीके के जो है ना ये न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, छोटे छोटे। हम लोग भी ये पढ़े कि एक बहुत बड़ा बॉडी था, जब वो कोलैप्स हो गया तो उससे छोटे छोटे स्टार बन गए, तो ये न्यूट्रॉन स्टार उसी से बनते हैं, और ये उसी का पार्ट है एक पल्सर, ठीक है। पल्सर जो है ये रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, यानी कि बहुत तेज़ी से ये रोटेट करता है, और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस जो है वो इमिट करता है। पल्सर की बात करें तो ये स्पिन करता है, घूमते रहता है, क्यों? क्योंकि स्टार जहाँ से ये फॉर्म हुआ है ना, वो भी रोटेट होता है, तो इसलिए पल्सर भी रोटेट होता है। पल्सर में क्या होता है, हाईली मैग्नेटिक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जाता है तो वो उसमें चिपक जाता है, फाइन। पल्सर जो है ना लाइट को रेडिएट करता है, और वो भी मल्टीपल वेवलेंथ में, ये भी ध्यान रखना है। साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे पल्सर को यूज़ किया जाता है एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए, ग्रेविटेशनल वेव जो है उसको स्टडी करने के लिए, या फिर दूसरे प्लैनेट जो कि अर्थ के सोलर सिस्टम के बाहर है, हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें टोटल 8 प्लैनेट है, तो उसके बाहर जो प्लैनेट पाए जाते हैं उसको हम लोग एक्जो प्लैनेट कहते हैं, तो उन तरीके के प्लैनेट को सर्च करने के लिए भी पल्सर का इस्तेमाल होता है, और जो कॉस्मिक डिस्टेंस है उसको भी मेज़र करने में जो है पल्सर का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, फास्ट रेडियो बर्स्ट डिटेक्टेड इन मिल्की वे फॉर द फर्स्ट टाइम। मिल्की वे ये हमारे अर्थ का जो है ये गैलेक्सी है, और इसमें क्या है ना कि फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो डिटेक्ट हुआ है, यानी कि ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव यहाँ पे मिला है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ और हमारी आर्टिकल आगे चल के डिटेल में आएगी, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। इसमें उतनी चीज़ें यहाँ पे बताई नहीं गई है। एक तो बताया गया है मैग्नेटर। मैग्नेटर क्या होता है ये ध्यान रखिए, एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर टिपिकल आप देखोगे कि एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन ये जो आपका मैग्नेटर है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वैसे न्यूट्रॉन स्टार है ये तब फॉर्म होता है जब मैसिव स्टार्स जो है वो कोलाइड होता है, कोलैप्स होता है, तब जो है इस तरीके का न्यूट्रॉन स्टार बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये ग्रुप है जो कि रिसेंटली यहाँ पे FAO के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और एनिमल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है इंटरजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के ऊपर है।
इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है कि कैसे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग हटा सके ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो वो काम यहाँ पे किया जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में समझिए, जैसे किसी को अगर टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो उनको मेडिसिन दिया जाता है, लंबे समय तक दिया जाता है। अगर मान लीजिए 6 महीने में वो एक ही मेडिसिन खा रहे हैं, तो 6 महीने के बाद ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वैरी करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके बॉडी में वो जो मेडिसिन वो पर्टिकुलर खा रहे थे वो काम करना बंद कर जाए। तो बंद कर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दवा जो है ना हमारे बॉडी में भींग चुका है। इट मीन्स कि डॉक्टर क्या करते हैं कि अब उसका हाई डोज देते हैं, यानी कि अब वो ज़्यादा हाई डोज खाना है तब जाकर हमारी बॉडी में वो काम करता है। तो ये क्यों होता है ना, इसका रीज़न अभी तक नहीं पता चला है। तो इसी को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसके कारण हमारे जो डिजीजेज़ है वो ठीक नहीं होते हैं, और इससे जो है ना किसी भी पर्सन को हाई डोज मेडिसिन खाना पड़ता है, जिसके कारण जो है पर्सन्स जो है बॉडी जो है अंदर से वीक हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत तरीके से रिसर्च किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन। तो ये है क्या, ये ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि 3 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये लिखा गया है। डिक्लेरेशन ये लिखा गया है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, जो कि कोविड-19 को देखते हुए इनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट को इंक्रीज़ किया जा रहा है कि वो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन हटाएं, वो भी यंग और हेल्दी पीपल से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो यंग और हेल्दी पीपल है या फिर एल्डरली पीपल है उनके माइंड में बहुत बुरा असर पड़ा है ये इस लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि इतने लंबे समय तक जो है ना किसी भी इंसान को आदत नहीं होता है कि घर पे बैठे, हर किसान इंसान को आदत होता है कि वो बाहर जाकर काम करे। बच्चे हैं जैसे कि खेलने जाएंगे ही, स्कूल जाएंगे ही, दोस्त से मिलेंगे ही। हम लोग के जैसे एज के जो लोग हैं कॉलेज पास आउट या कॉलेज में जितने भी हैं, तो हमें तो आदत ही है कि वो शाम में निकलना ही है, थोड़ा हैंग आउट करना है, बाहर जाना है, ये वो घूमना फिरना ही है। जो जॉब वाले होते हैं उनको तो ऑफिस जाने की आदत होती है, तो घर में बैठने की आदत बहुत कम होती है। ठीक है, ऊपर से महिलाओं की बात करें तो वो घर में रहती है जैसे मम्मी, नानी, दादी, लेकिन उनका भी काम होता है एक सर्टेन टाइम तक। लॉकडाउन में क्या हुआ कि उनका काम बढ़ गया, हर किसी के लिए नए नए तरीके का खाना बनाना, 24 घंटा काम करना, तो उनके लिए भी प्रेशर बन गया। तो लॉकडाउन हटाने के लिए यहाँ पे इस तरीके का जो है लिखा गया था। ठीक है, और एक बैलेंस बनाने की बात की गई थी इनके द्वारा कि जो रिस्क है और जो बेनिफिट है, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसका क्या रिस्क है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इसको एक बैलेंस लेकर चले। यानी कि कुछ ही समय तक ठीक लगता है कि कोरोना वायरस का बेनिफिट यही बताया जा रहा था कि फैमिली एक हो गए। आज के डेट में हम लोग जो है इतने बिजी हो चुके हैं कि हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो एक अच्छा था कि सब घर पर है, सब एक दूसरे को टाइम दे रहे। बट नेक्स्ट है यहाँ पे 23rd की फर्स्ट एवर वैक्सीन लिस्टेड अंडर WHO एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग, यानी कि WHO के द्वारा यहाँ पे 2 नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को यहाँ पे आपका ऐड किया गया है। और ये वैक्सीन है जो कि काफ़ी यूज़फुल ये प्रूव हुआ है, किसके लिए, तो वैक्सीन डिराइव पोलियो के लिए, इसके ट्रीटमेंट में ये काफ़ी जो है यूज़फुल हुआ है। इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग की अगर बात करें तो ये रिस्क बेस्ड प्रोसीजर होता है, जिसमें कि सारे वैक्सीन जो है ना, जो अनलाइसेंस्ड वैक्सीन है, उसको एक्सेस करके एक लिस्ट उसका प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम में होता है, जैसे कि जब पोलियो आउटब्रेक हुआ था, और आज के डेट में जैसे कोविड आउटब्रेक हुआ है, तो उस समय जो है एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से यहाँ पे अनलाइसेंस्ड वैक्सीन है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन सारे मेडिसिन, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स जो है अच्छे तरीके से अवेलेबल हो, जिससे कि फास्टर काम हो सके, यानी कि इमरजेंसी को जो है टैकल करने के लिए, जैसे आपने देखा कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट थे सब एक साथ आकर जो है बहुत फास्ट तरीके से काम किए। इतना फास्ट तरीके से काम किए कि जो वैक्सीन बनाने में 20 से 25 साल लगते, वो सारे वैक्सीन जो है 1 से 1.5 साल में बन के अभी रेडी हो रहे हैं। तो हार्डली 2 साल लगेगा, लेकिन 1.5 साल तक बहुत सारे वैक्सीन रेडी हो चुके हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो ये क्या हुआ कि इमरजेंसी में इसको टैकल करने के लिए जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है काला आजार और विसरेलल लेस्मिनियसिस। ओके, पता नहीं क्या बोलते हैं। काला आजार के बारे में समझिए कि ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि इररेगुलर फीवर या फिर वेट लॉस या एनीमिया है, या फिर स्प्लीन और लीवर जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके कारण ये डिजीज़ देखने को मिलता है। ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिसका नाम ही ये है। ठीक है, मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी, आप लोग देख लो। और ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन को। तो कैसे होता है, जब अगर कोई भी फीमेल सैंड फ्लाइज, अगर इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज है, जो आप देखते हो ना कि मक्खियाँ वगैरह होती है, तो वो सब इन्फेक्टेड होती है, अगर वो काट लेना तो फिर उससे जो है ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है। WHO के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लोबली 7 to 10 lakh न्यू केसेस जो है ना हर एक साल निकल कर आता है ये काला आजार का। तो ये बात याद रखना है, इंडिया में अगर देखें तो 2/3 जो टोटल ग्लोबल केसेस है वो निकल कर आता है, और ये डिजीज़ जो है एंडेमिक है, यानी कि कुछ सर्टेन रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल में ही जो है काला आजार का केसेस देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि WHO के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को सेटअप किया जाएगा इंडिया में, जिससे कि हमारे यहाँ मेडिसिन बनाने के लिए जो है काम है ना, रिसर्च, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो है और ज़्यादा फास्ट तरीके से हो। उसके बाद है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, जो कि यहाँ पे इंडिया माइग्रेशन नाउ के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये जो इम्पैक्स रैंक है, ये इम्पैक्स है, इसमें जो है सारे स्टेट को रैंक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है उनके माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी को लेकर। जैसे माइग्रेंट लेबर जो है वापस जो है री माइग्रेशन हुआ था, यानी कि वापस वो अपने गांव लौट कर आए थे, तो अगर गांव लौट कर आए थे तो उस स्टेट की सरकार का ये हक है कि उनको वहाँ पर ही जॉब प्रोवाइड करे, तो उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लाया गया, तो उसी को माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पर पॉलिसी एरिया को देखा जाता है कि बच्चों को क्या किस तरीके से अधिकार दिया जा रहा है, बच्चे अगर वापस गाँव आ गए हैं तो उनको शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, उनके हेल्थ के लिए, साफ़ सफाई के लिए, घर के लिए, पॉलिटिकल इंक्लूजन के लिए क्या किया जा रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया पॉपुलेशन का जो है मोर देन 1/3 जो है ये इंटरनल माइग्रेंट है, यानी कि एक ही स्टेट में जो है ना एक सिटी से दूसरे सिटी में वो माइग्रेंट करते हैं, और 75% जो यूथ है वो माइग्रेंट है, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है। मुंबई बेस्ड ये रिसर्च नॉन प्रॉफिट है, अगर हम लोग बात करें IMN की, इंडिया माइग्रेशन नाउ की, ठीक है। तो ये याद रखना है, की फाइंडिंग में बताया गया है कि जो केरल, गोवा और राजस्थान है, ये टॉप 3 स्टेट है जहाँ पे माइग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसी है, यानी कि इस सारे स्टेट में जो है जितने भी माइग्रेंट है उनके लिए एक अच्छा खासा पॉलिसी बनाया गया, या फिर दूसरे स्टेट से भी जो इस स्टेट में आते हैं काम करने के लिए उनके लिए अच्छा खासा जो है पॉलिसी, अगर वो आए हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके माता पिता है, तो उनके लिए एक अच्छा खासा जो है पॉलिसी बनाना है, तो इसके लिए केरल, गोवा और राजस्थान जो है ये टॉप में, याद रखिएगा। साथ ही आते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पे सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड लॉन्च किया गया है, साफ़ सफाई और हाइजीन के लिए यहाँ पे फंड लॉन्च किया गया। तो ये सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये है यूनाइटेड नेशन, जिसमें कि कंट्रीज़ को यहाँ पर फंड किया जाएगा, जो भी हैवीएस्ट बर्डन है डिजीज़ का, तो उनको यहाँ पर पैसे वगैरह दिए जाएंगे, और यहाँ पर $2 बिलियन तक को रेज़ किए जाने का यहाँ पर एम है, वो भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप समझ सकते हो कि साफ़ सफाई, घर में साफ़ सफाई हो इसको एक्सपेंड किया जाएगा, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए महिलाओं को यहाँ पे अवेयर किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी, इनोवेशन सैनिटेशन सॉल्यूशंस होगा, तो ये सारा काम किया जाएगा। इससे पहले WHO के द्वारा एक वॉश स्ट्रैटेजी लाया गया था जो 2018 से अभी चल रहा है 2025 में, इसमें भी क्या था ना कि यहाँ पे आपका जो है ना सैनिटेशन और हाइजीन के लिए काम किया जा रहा था, ठीक है। तो ये WHO का वॉच था, यूनाइटेड नेशन का भी क्या है, तो यहाँ पे सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड इसको लाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो यानी कि ये इंडेक्स है जिसमें कि ये देखा जाएगा कि यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स को कितना ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है। तो इसमें आप लोग देखो कि ये फ्रेडरिच अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एलरन नर्बन है, FAU है, और VDEM है, इंस्टीट्यूट है, स्कॉलर एज रिस्क नेटवर्क और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है। इस इंडेक्स में जो है कंट्रीज़ को स्कोर किया जाता है 0 से 1, 0 है तो वो वर्स्ट कंडीशन में, 1 है तो बेस्ट कंडीशन में। इंडिया की स्कोर क्या है, लो है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एकेडमिक यानी यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है, तो इसलिए हमारी स्कोर जो है लो है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं एथीना स्वैन चार्टर, तो ये है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के अंदर जो है एक सिस्टम इसमें है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट को ये ग्रेड किया जाएगा, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम ABC, उनका कितना वुमेन को वो इनरोल करते हैं और वुमेन के कैरियर के लिए कितना फैसिलिटी और क्या क्या लेकर आते हैं, यानी कि वुमेन फैकल्टी अगर साइंटिस्ट है तो उनको कैसे एडवांसमेंट दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है काम किया जाता है, ठीक है। तो अस्थना स्वयं चार्टर जो कि वुमेन के लिए यहाँ पे काम करते हैं, वुमेन को कितना इनरोल किया जा रहा है और वुमेन फैकल्टी या फिर साइंटिस्ट के कैरियर को कितना एडवांस किया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हम लोग यहाँ पे अस्थना स्वयं प्रोग्राम जो UK का है वहाँ से हम लोग लाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए यहाँ पे जो है एक पोर्टल लाया गया है, और ये पोर्टल लाया गया है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये पोर्टल लाया गया है। पोर्टल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आई कार्ड दिया जाएगा ट्रांसजेंडर को बिना किसी फिजिकल इंटरफ्रेंस के। इससे पहले जो कानून लाया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो उस डिस्ट्रिक्ट के DM होंगे उनके द्वारा जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेना है कि कोई भी अगर ट्रांसजेंडर है तो वो अपने आप को क्या बताना चाहते हैं, किस जेंडर में वो रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। बट इसके ऊपर बहुत अपोज हुआ, तो अब ऐसा पोर्टल लाया जा रहा है जिसमें कि उनको आई कार्ड दिया जाएगा बट उनको फिजिकली जो है ना इंटरफेयर नहीं किया जाएगा कि वो मतलब कि क्या है, वो किस तरीके का, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो वो बातें हैं। साथ ही देखिए कानून क्या था, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा
ई इनॉग्रेटेड गरिमा गृह यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कि जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, जैसे आप देखते हो कि उनको घर से निकाल दिया जाता है, वो आइसोलेट रहते हैं, तो जिनको घर नहीं है रहने के लिए, उनके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है घर भी मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे और लास्ट है, स्कॉटलैंड जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है जिनके द्वारा सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया गया है। तो सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला पहला कंट्री जो है वो स्कॉटलैंड है, और सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ये मैंडेटरी लीगली किया गया है कि यहाँ पे फ्री जो पीरियड्स प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें, जिसमें कि टैम्पॉन वगैरह होता है, पैड्स होता है, तो जो भी यहाँ पे महिलाओं की ज़रूरत हो उनको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट तरीके का इस तरीके का कानून लाया गया है वर्ल्ड में, जो कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को जो है एक हक की तरह एक्सेस करने के लिए लाया गया है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आई होप कि हमारे कंट्री में भी ये जल्दी से हो, और सारे कंट्री में होनी चाहिए। ये जो भी मैंडेटरी चीज़ है ना, उसको थोड़ा सा लो कॉस्ट में या फिर फ्री कर दे तो बेटर ही है। तो कोई नहीं, चलिए याद रखिएगा, ये आपका आपका क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी न्यूज़ इन शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये सारे पॉइंट्स जो है आपके छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल फिर हम लोग न्यू टॉपिक के साथ, इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट करिए सजेशन से तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।